रियर सीट मुझे लग रहा है काफ़ी आगे है, बैठने में दिक्कत होने वाली है, ये काफ़ी आगे कर रखी है। मिडल वाली रो में हूँ मैं अभी, और इसमें तो मैं पिच गया हूँ अभी। सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। अभी जो हम गाड़ी दिखाने वाले हैं, तो मैंने अभी वो पूरी दिखाई नहीं आपको, तो आज हम रिव्यू करेंगे अर्टिगा 2022 का। तो ये है अर्टिगा VXI वेरिएंट। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है और कैसी गाड़ी है, क्या प्राइस रेंज में आती है। तो मैं अभी जो खड़ा हुआ हूँ मारुति सुजुकी अरीना का शोरूम है, चोगले इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मड़गांव में। तो ये यहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मैं सोचा कि चलो यहाँ पे अर्टिगा है और इसका एक रिव्यू करना चाहिए। मैंने पिछला वीडियो जैसा कि दिखाया था आपको XL6 का, तो एक कंपेरिजन भी पता चल जाएगा, क्योंकि अर्टिगा जो आती है वो अरीना पे आती है, XL6 आती है वो नेक्सा पे आती है, प्रीमियम कार होके। तो चलो आज पहले इसको शुरू करते हैं, अर्टिगा के बारे में बात करते हैं। तो अगर इसके इंजन की पहले मैं बात करता हूँ, तो सेम इंजन मिलेगा आपको इसमें जो मिलेगा आपको XL6 में। तो इसका इंजन जो है आता है वही 1462 cc 1.5 लीटर इंजन के साथ में ये आती है, और 101 bhp की इसमें आपको पावर मिल जाएगी, 136 nm के आपको इसमें टॉर्क मिल जाते हैं। अब फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको बड़ा सिंपल सा फ्रंट आपको मिलेगा, ग्रिल वगैरह बिल्कुल सिंपल, एक जैसे नॉर्मल गाड़ी में होती है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें प्रीमियम वाली जो चीज़ है वो नहीं दिखेगी। प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ में आपको ये मिल जाएगी, और फॉग लैम्प इसमें VXI में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन स्पेस मिलेगा अगर आप लगवाना चाहते हो तो। यहाँ पे आप फिक्स करा सकते हो आफ्टर मार्केट, या यहाँ पे भी करा सकते हो। नीचे आपका ये एयर डैम आ गए, और ग्रिल जो आपकी आएगी इसमें बड़ी सिंपल सी सोवर सी एक ग्रिल आपको इसमें मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर के साथ में इसमें आपको मिल जाते हैं ORVM। और अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो इसमें आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिल जाते हैं व्हील कैप के साथ में, बाकी इसमें आपको एलॉय वगैरह वो कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी इसके एक साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया में खड़ी हुई है गाड़ी अभी, तो इसको मैंने बाहर नहीं निकाला, क्योंकि सामने जो है ये रास्ता है और रास्ता ब्लॉक हो जाएगा अगर मैं इसको बाहर निकाल के खड़ी करता हूँ। तो एक काफ़ी लंबी गाड़ी मिल जाती है आपको ये, और अगर लुक वाइज देखें तो बिल्कुल सिंपल गाड़ी आपको देखने को मिलेगी ये। अब एक बार इसके रियर में चल के देखते हैं कि क्या है। ये आती है 7-सीटर के साथ में, जबकि XL6 आती है जो मिलेगी आपको 6-सीटर के साथ में। तो ये इसका रियर लुक है, बड़ा सिंपल सा आपको मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा रियर डिफोगर वगैरह, इसमें आपको नहीं मिलने वाले, ना वाइपर मिलने वाला जो VXI है। स्मार्ट हाइब्रिड इंजन के साथ में आपको ये मिलेगी, यहाँ पे उसकी बैजिंग मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं इस पोर्शन की प्रीमियमनेस है, वो जो फिनिशिंग है वो आपको XL6 में ज़्यादा मिलेगी, अर्टिगा में थोड़ा सा कम लगेगी, लेकिन बिल्कुल सेम डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा दोनों उसमें। तो ये तो हो गई इसकी कुछ बाहर की बात। इसमें शार्क फिन एंटीना वगैरह, रूफ रेल वगैरह आपको कुछ नहीं मिलने वाला, नॉर्मल एंटीना इसमें आपको मिलेगा, ये आगे की तरफ इस पर लगा हुआ है। तो ये इसका कुछ आपको इस तरह का एक्सटीरियर मिल रहा है। अब इसके चलते हैं हम अंदर, तो अंदर चल के एक बार देखते हैं भाई अंदर क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं इसमें। बहुत ही मतलब बढ़िया गाड़ी है एक, अगर आपको कम बजट में चाहिए और 7-सीटर चाहिए, बड़ी फैमिली है जैसे, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो एक ये काफ़ी प्रैक्टिकल कार है। बहुत ज़्यादा फीचर्स तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ एक बजटेड कार आपको मिल जाती है उस रेंज में 6-सीटर के साथ में। तो अगर हम बात करते हैं अब इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डोर की फिनिशिंग मिलेगी, लेदर वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगा, बस प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ हल्का सा लेदर लगाया गया है इस जगह पर। चारों पावर विंडो इसमें आपको मिल जाते हैं, बाकी यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ORVM वगैरह सारा कुछ वही सेंट्रल लॉकिंग के साथ में आपको मिल रही है। अब बैठते हैं इसके अंदर एक बार। तो स्टेयरिंग का अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, बस आपको कलर वगैरह थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, स्टेयरिंग हूबहू सेम बिल्कुल उसी डिज़ाइन में मिल रहा है जिसमें कि आपको XL6 में मिलेगा। क्लस्टर मीटर इसमें कुछ इस तरह का मिल जाएगा, वही सेम ही मिलेगा आपको, एक बीच में सारे फीचर्स मिल जाएंगे इसमें, मोटर इंजन ये सारा कुछ आपको इसमें मिल रहा है, जैसे कि ये स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में आती है, एक इसमें आपको मोटर भी मिलेगा और आगे इंजन, रियर साइड में आपको मोटर मिल रहा है इसमें। ये इसमें आपको मिल जाता है इसका इंटीरियर,
तो ये वाली फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लग रहा है। अगर हम पूरी बात करते हैं, बस क्रोम वगैरह आपको इसमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे जो इसके टॉप एंड में आ जाती हैं, ये साइड में भी आपको फिनिशिंग मिलेगी सेम बिल्कुल ऐसे ही हुआ हो जैसे कि आपको मिलती है एक्सेल सिक्स में। इसमें टच स्क्रीन आपको छोटा मिल जाता है, बहुत छोटा पोर्शन आपको मिलेगा उसमें, आप रेडियो वगैरह ये सब चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो। एसी काफ़ी बढ़िया लगा इसका मुझे, इफेक्टिव है, की स्टार्टिंग के साथ में मिलेगी, इसमें पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता है, तो ये चीज़ें इसमें हमारी डिफरेंट हो जाती है। क्रूज कंट्रोल इसमें आपको नहीं मिलेंगे, इसमें आपको केवल म्यूजिक सिस्टम मिल जाएंगे और बाकी आपके कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट ब्लूटूथ के जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे आपको स्टेयरिंग में यहाँ पर मिल जाते हैं। जो एसी है इसमें आपको नॉर्मल मिलेगा, इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं मिल रहे हैं। नीचे 12V का वोल्ट आपको मिल जाता है, एक तरफ USB मिल जाता है, यहाँ पे आपके कप होल्डर विथ AC वेंट्स मिल जाते हैं, 5-स्पीड मैनुअल के साथ में ये है। आर्म रेस्ट वगैरह इसमें नहीं मिल रहा है, तो हेड स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा मिल रहा है, कोई हेड स्पेस में प्रॉब्लम नहीं है, लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, सीट भी मतलब कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोलोगे, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोलोगे, लॉन्ग ड्राइव के लिए कंफर्टेबल रहेगी। और पीछे की तरफ भी इसमें आपको AC वेंट मिल जाते हैं, तो अभी रियर सीट पर भी चलेंगे। 7 सीटर के साथ में आती है, तो ये एक बहुत अच्छा है कि जिनकी बड़ी फैमिली है उनके लिए। IRVM आपको इस तरह का मिल जाता है, और यहाँ पे आपको केवल लाइट मिलेगी, इसमें सनग्लास होल्डर वगैरह वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, तो नॉर्मल सा एक आपको इंटीरियर मिल रहा है। ये सामने की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी, मतलब इसको मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, एक VXI जो मिड वेरियंट है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें दे दिए हैं इन्होंने। अब चलते हैं इसकी रियर सीट पे, तो उसका एक बार लेग स्पेस वगैरह चेक करेंगे, सारे आपको यहाँ पे ये मिल जाते हैं, डोर आपका ओपन है कि नहीं है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो अब चलते हैं इसकी रियर सीट पे, रियर सीट मुझे लग रहा है काफ़ी आगे है, बैठने में दिक्कत होने वाली है, ये काफ़ी आगे कर रखी है, मिडल वाली रो में हूँ मैं अभी, और इसमें तो मैं पिच गया हूँ अभी, मतलब ये या तो आगे है, हाँ अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, तो अब ठीक है, अभी मैं यहीं पे जाके पिछली सीट पे बैठूँगा तो उस पर पता चलेगा, अभी मेरी यहाँ पे टांगे ना बिल्कुल कंफर्टेबली है। और ये आपको यहाँ पे भी इसमें AC वेंट मिल जाते हैं, अभी मैंने गाड़ी का AC बंद कर दिया है, पहले मैंने AC ऑन कर रहा था, काफ़ी अच्छा था आगे, काफ़ी इफेक्टिव था, बट अभी मैंने गाड़ी बंद कर दी है। साउंड तो बिल्कुल है नहीं इसके इंजन में, तो रियर में जाने के लिए इसके यही सीधा यहाँ से हमें इस सीट को आगे फोल्ड कर सकते हैं, ये पूरा भी गिरा सकते हैं इसको, हाफ ही गिरेगा, और यहाँ से आप इसमें अंदर जा सकते हो। पीछे इसमें 2 सीट आपको मिल जाएंगी और बीच में 3 3 सीटर है, पीछे की तरफ आपको 2 लोग बैठ सकते हैं इसमें। और ये चीज़ अब मुझे यहाँ पे कंजेस्टेड लग रही है थोड़ी सी, ये टांगें ना एकदम फंस गई हैं इसमें भी, साइड में आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट और आपको कप होल्डर वगैरह बोतल वगैरह पानी के लिए स्पेस मिल रहा है, लेकिन रियर सीट थोड़ी इसकी आपको कंजेस्टेड लगेगी, थर्ड रो है, थर्ड रो आपको कंजेस्टेड लगेगी इसकी थोड़ी सी, क्योंकि अगर लंबा आदमी है तो उसको तो ज़रूर लगने वाली है, चाहे किसी और को लगे ना लगे, कुछ इस तरह का इंटीरियर इस गाड़ी का है। अभी एक बार बूट, सेम इसमें आपको बूट मिल रहा है, नीचे से ये हटा के आप इसका जो है नीचे और स्पेस इसमें आपको मिल जाता है, बूट में अभी खोल नहीं सकता क्योंकि पीछे गाड़ी बिल्कुल लगी हुई है, तो इसलिए मैं सोचा कि यहीं से दिखा देता हूँ। तो एक ये सीट आप आगे गिरा सकते हो, कम आदमी है तो ये सीट आगे गिरा के बूट स्पेस इसका और बढ़ जाएगा। बाकी डोर में स्पेस वगैरह इसके काफ़ी मिल रहा है, और अगर आपका मन है कि भाई कोई हमें चाहिए 7 सीटर, 6 सीटर से ही काम नहीं चल रहा, तो आप अर्टिगा पर जा सकते हो, बढ़िया ऑप्शन लगा मुझे एक ही है। अर्टिगा में जो है आपको इसमें VXI में आपको एक CNG का ऑप्शन भी मिल जाएगा, अगर आप CNG पे जाना चाहते हो तो CNG पे जा सकते हो। और इसका अगर प्राइस की बात करते हैं तो पेट्रोल में इसका प्राइस है VXI का 9,55,000, और अगर आप CNG ऑप्शन पे जाओगे तो 10,50,000 है,
ये एक्स शोरूम प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ इस गाड़ी के, मेरे हिसाब से एक काफ़ी अफोर्डेबल और बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी कार है, क्योंकि इसमें आपकी बड़ी फैमिली भी पूरी एडजस्ट हो रही है और प्राइस भी अगर हम बात करें तो VXI में ज़्यादा नहीं है। और दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज़, सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, केवल छोटे मोटे एलॉय वगैरह ये सब फीचर्स को छोड़ के। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।